तो रात के 3:20 और हम निकल गए, और यहाँ भी मैं बता दूं हम 20 मिनट लेट हैं क्योंकि 3 हमारा मीटिंग पॉइंट पे इंतजार कर रहे थे सभी लोग। A few moments later. भर लिए सामान वान पानी तो भरने वाला है नहीं तो समय हो गया 3:29। इधर अपनी लाइनअप में 4 हिमालयन, 1, 2, 3, 4। यहाँ अभिमन्यु, आकाश भैया इधर हाई कर दीजिए, इधर बलवंत है इधर हाई कर दो, और इधर हम हैं। तो चलो अभी इंट्रो शूट करेंगे हम लोग टाटी झरिया में जाके, क्योंकि लाइट यहाँ पे एम्बियंस बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक, और भैया हम इधर से मोड़ दिए राइट। इतना शांत मटवारी तो हम आज तक नहीं देखे रे भाई। देख लो सुबह सुबह राइड स्टार्ट करने का फायदा, इस जगह पे जनरली ट्रैफिक होता ही होता है। हाँ इसी में रुक जाओ, तो ये वाली गजब की लाइनअप कुछ मजेदार सा लग रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हो मेरे साथ रोड एंड व्हील्स। और देखो आज अपना फिर से एक नया वाला ट्रिप, नया वाला जर्नी स्टार्ट हो चुका है, और आज अभी हम लोग मारेंगे हजारीबाग से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जहाँ तक जा सकते हैं। हमारा टारगेट तो सिलीगुड़ी से आगे तक का आज का, लेकिन चलो निकलते हैं। और हमारे साथ आज सिर्फ और सिर्फ हिमालयन राइडर्स हैं। लगभग सुबह का 4 बज चुका है और हम लोग भी बढ़िया 30 किलोमीटर आ गए। हमें एक्चुअली यहाँ नहीं रुकना था, उधर ही कहीं मीटअप करके थोड़ा सा प्लान डिस्कस करके आगे निकलना था, लेकिन भाई सीन ऐसा हुआ कि उधर पे हम लोग रुके नहीं, सीधा यहाँ पे ही रुक रहे हैं। और चाय बढ़िया है यार, चाय बढ़िया है, ऐसे हाईवेज पे जनरली बढ़िया चाय मिलता नहीं है, लेकिन चाय बढ़िया है यहाँ पर। तो टाटी झरिया में रुक के थोड़ा चाय वाय चला अपना, और अब यहाँ से डायरेक्टली अभी थोड़ा लंबा वाला स्ट्रेच अब खींचेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो 30 किलोमीटर में इसीलिए रुका ही गया था। अभी देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:21 और लगभग 9:30 तक खींचना है लगातार 2-3 घंटे। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं निकलते हैं यहाँ से। देखो निकलते निकलते 4:30 हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा रोशनी जो है ना वो भी आ गया है, और यही रीज़न था थोड़ा जैसा यहाँ पे रुकने का कि क्योंकि जो हाई बीम्स आ रहा था ना आगे से बहुत डेंजर था, तो सोचे कि थोड़ा रुक रुक लेते हैं। तो लो जी ये हम पहुँच गए बिष्णुगढ़, और अभी सीधा हम लोग भगोदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो लोकल वाला जगह है जहाँ पे अगर आप लोग हजारीबाग के आसपास से बिलोंग करते हो तो आप लोग समझ जाओगे, है ना। देखो ये अगर तुमको दिल्ली कानपुर जाना है तो इधर चले जाओ, और कलकत्ता जाना है तो इधर चले जाओ, लेकिन हमको जाना है सीधा तो हम जाएंगे इधर। ये मोटरसाइकिल के साथ तीसरी बार कर रहे हैं, और मुझे आज भी याद है वो पहला बार हम किए थे ये वाला रूट जिसमें सिक्किम गए थे, और हमारे साथ अभिजीत भाई की ट्रैम टाइगर थी। दूसरा बार जो गए थे वो अरुणाचल के ट्रिप के टाइम, उसमें अनुज भाई थे, और आज हम जा रहे हैं तीसरा बार सेम रूट। तो ये है सरिया, और जहाँ तक मुझे याद है ना यहाँ पे ना एक बहुत भयानक वाला जाम लगता था, और यहाँ ना एक रेलवे क्रॉसिंग की वजह से बहुत हेवी जाम लगता है, तो आई थिंक कि वो रेलवे क्रॉसिंग अभी थोड़ा सा आगे मिलेगा, अभी तुरंत तो मिलेगा नहीं। देखो जी तो वो जो रेलवे क्रॉसिंग में बोल रहा था वो ये है, और भैया भैया अभी अभी डाउन हो गया यार। चलो 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 रे भैया, चलो भैया हम तो निकल गए। तो चलो जी सरिया को हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे, और ये ना देखो मैं विदाउट गूगल मैप चल रहा हूँ क्योंकि रूट्स जो है सो ज़्यादातर पता है, होपफुली कहीं गलत ना जाऊँ, क्योंकि मुझे याद है यार गूगल मैप में लगाता हूँ और मैं गलत जाता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं गूगल मैप अब यूज़ करना मिनिमम कर दिया हूँ। मतलब कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तभी गूगल मैप खोल के मैं चेक करता हूँ, ऐसे लगा के छोड़ता नहीं हूँ। तो और या फिर शहर से, एक शहर से बाहर निकल रहा हूँ तब,
बट ये सब रूट किया हुआ है तो ये सब दिमाग में है। देखो एक नंबर गजब। धनवार 16 किलोमीटर, खोरी महुआ 23 किलोमीटर। तो इस ट्रिप का पहला 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और आज की जर्नी में 500 किलोमीटर हमें और जाना है। तो देखो भी जिस तरह से 100 हुआ है उस तरह से 500 और हो जाएगा। टाइम का अपडेट देते हैं, अभी बजा है 5:45। यहाँ से लेफ्ट लेके ये जो रास्ता जाता है ना, ये ही जाता है आगे। भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिहार के अंदर और भाई साहब बड़ा ही अनोखा जगह से जा रहे हैं। ऐसे ये वाला रूट हम एक बार और लिए हैं यार, मुझे याद आ रहा है जब हम सिक्किम जा रहे थे ना तो सेम यही वाला रूट लिए थे। ये टू लेन है बट ये रोड बढ़िया है और शॉर्टकट भी है एज़ कम्पेयर टू दैट देवघर वाला रूट से, तो इसके वजह से हमने ये वाला ही रूट को प्रेफर किया। पता है बे, इवला से हम जितना बार हम पार किए साला हर बार ही बंद मिला हमको। ये हम तीसरा बार हम जा रहे हैं इवला रूट से, हर बार बंद मिलता है हमको। ये मैं जिस जगह से भी क्रॉस कर रहा हूँ ना सिमुलतला, इसमें ना जो भी मुझे गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी दिख रहा है ना वो बहुत पुराना प्रॉपर्टी है सारा बना हुआ। और ये यहाँ पे ना जितना भी ज़्यादातर घर पुराना आर्किटेक्चर में देखो, जैसे कि ये वाला है ना, और जो भी गवर्नमेंट वाला प्रॉपर्टी है इधर रेलवे स्टेशन हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, सारा बहुत पुराना बना हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ का एक ये अलग बात लगा मुझे थोड़ा, तो ये सिमुलतला में हमें देखने को मिला ये चीज। आप जैसे कि ये देख लो, अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं अपनी ये देखो, जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा वो बंगाल वाला आर्किटेक्चर जो होता है ना बहुत पुराने में, उस टाइप का। जैसे कि ये देख लो, ये देख लो, तो अभी हम इंटर कर रहे हैं बांका और यहाँ से भागलपुर अप्रॉक्स 50 किलोमीटर और है और यहाँ से पूर्णिया 136 किलोमीटर के आसपास। और अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, 8:40। अब देख सकते हो कि कितना सही समय पे हम लोग कवर अप कर रहे हैं डिस्टेंसेस, लेकिन अभी तक हमने रुका भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा यार देखते कोई अच्छा था, कुछ खाने वाने का जगह नहीं दिख रहा, अगर दिखा तो रुकेंगे। ओके ओके हम यही तो भाई साहब अभी देखो टाइम जो है ना 8:44 हुआ है और मतलब इतना जगह ढूंढने के बाद कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम सोचे कि यहाँ से कुछ पैक कराते हैं आगे चल के खाते हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ बैठने का जगह नहीं है। और अपने पास ये देख रहे हो ये बाहर ही है, तो कहीं देखते हैं शहर से बाहर निकलते हैं, कोई मस्त वाला लोकेशन देखते हैं, छाया में बैठते हैं और वहाँ पे नाश्ता करेंगे।
तो भैया ये है बांका, और बांका से लेफ्ट लेके हम भागलपुर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बांका से निकलते हैं और कोई बढ़िया वाला लोकेशन देख के रुकते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि हम कहीं बीच में जाके मस्त वाला लोकेशन पे रुक के खाना खाने वाले, मतलब नाश्ता करने वाले। तो वो लोकेशन देखो आप, पे अपनी चारों हिमालयन और ये अपना बिस्तर। हम तिरपाल इसीलिए बाहर रखे थे, ये भी जरूरी है ना। 20 minutes later. तो भाई साहब 10:20 हुआ यार, गर्मी बहुत ज़ोर से लग रही है, पानी प्यास भी उतना ही लग रहा है। तो सबसे पहले तो कोई दुकान रुकते हैं, क्योंकि नाश्ता किए पानी तुरंत ख़त्म हो गया सारा, तो और मेरा हाइड्रा पैक में भी पानी ख़त्म हो चुका है। अब जाने रोक, गर्मी इतना तो आदमी सिप लेते लेते चलता है। तो कहीं रोकते हैं, पानी वानी पीते हैं, हाइड्रा पैक फिलअप करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। A few moments later. अभी हम बांका जिला के इंग्लिश मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ भैया लोग हमें मिल गए हैं जो कि काफी ड्राइविंग करके आ रहे हैं। और ये लोग बोला तो महंगा है और ये जैकेट वगैरह क्या इनके साथ ही आता है? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ आपको अलग से भी देना पड़ता है आप। तो यहाँ पे भैया ने इंटरव्यू के लिए रोक लिया था, तो यहाँ पे रुक गया और फिर अब आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भैया, तो 11 बज गया यहाँ पर ही यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रैवलिंग का असली मज़ा तो यही सब है ना, नए नए दोस्तों से मिलना। ऐसी भयानक गर्मी हो और आप टूरिंग जैकेट पहने हो और आप फंस जाओ जाम में, तो कैसा फील होगा? तो फील करके देखो यार, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। तो पूरे आज के ट्रिप का ये पहला टोल क्रॉसिंग, और वो भी मिल रहा है हमें 290 किलोमीटर के बाद। तो इस राइड में पहली झलक गंगा मैया का, गंगा मैया की। तो बोलो सभी लोग जय गंगा मैया। A few inches later. तो देखो गर्मी इतना बढ़ चुका है कि अब बिना ब्रह्मास्त्र का काम नहीं चलेगा। तो हम निकाल लिए भैया अपना ब्रह्मास्त्र। तो पहन लिया गया, अभी देखते हैं इतना भयानक गर्मी में कितना काम करता है। पानी वानी भरने के लिए हम लोग रुक गए थे पेट्रोल पंप के पास, और जब रुक ही गए थे तो टैंक भी फुल करा लिया गया है। आई नो बिहार में थोड़ा सा महंगा है, बट चलो यार चलता है, कितना बार ज़्यादा रुकना ना पड़े है ना, थोड़ा सा महंगा सह लेंगे। और वैसे भी पूरा एंड पे था, 337 किलोमीटर हम लोग चल दिए हैं, तो 350 मतलब लगभग 50 किलोमीटर हम और चल सकते थे फुल टैंक में, बट रिस्क क्यों ही लेना। तो भाई और बहनों देखो एक बार फिर से पूर्णिया में आ गए, और देखो यहाँ से जो रास्ता सीधा जाता है वो भी सिलीगुड़ी जाता है, और यहाँ से जो रास्ता राइट में जाता है वो भी सिलीगुड़ी जाता है, और हम एज यूजुअल राइट वाला ही चुनेंगे। Hahaha
few moments later. तो भाई अभी यहाँ रुके हैं, अब थोड़ा लंच वंच किया जाए. A few inches later. तो लंच करने के लिए रुके, लंच किए और अब जो है गाड़ी चलाने का गलती से भी गलत फहमी नहीं होना चाहिए. और इधर जो खाना खाया था उसमें भुजिया भी फ्री में मिला. आकाश भैया स्पेशली बोले भैया पैसा नहीं लगेगा ना भुजिया का, तभी लगेगा. और जब खाना वाना खाने के बाद निकले ना यार, थोड़ा सा सुस्ती ज़्यादा लग रहा है. और गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं, भाग रही हैं. यहाँ से लगभग मुझे लगता है 150 किलोमीटर अप्रॉक्स सिलीगुड़ी और होगा. चलते हैं देखते हैं. और जो दिन भर यार धूप का भभका लगा है ना, बाप रे उसको मत पूछो क्या सीन था वो. आप सोच रहे हो हम लोग इधर क्यों आए, तो चलो बताते हैं क्यों आए. Two hours later. अपने ट्रांजिशन ब्रेक में यहाँ पे हमने रुका था और अब हम निकल रहे हैं. जैसा कि देखो तो निकल गए बैक टू रोड और अंधेरा भी हो चुका है. थोड़ा सा मौसम डाउन हुआ यार. देखो गर्मियों में ना राइड करने में यही एक दिक्कत है कि मस्त सुबह निकले, अच्छा खासा स्ट्रेच खींच रहे थे, लेकिन जब सूर्य भगवान का प्रकोप पड़ा ना भाई, उनके सामने कुछ भी नहीं है ना. उसके बाद अपना ब्रेक्स बढ़ता चला गया, तो जिसकी वजह से भैया जहाँ हम लोग 4 बजे पहुँचने वाले थे, 6 बजे सिलीगुड़ी भी नहीं पहुँचे. 6 नहीं एक्चुअली, अब 7 बजने चला. लो जी भैया इधर लग गई जाम, मस्त वाला डाइवर्जन में हम लोग फंसे थे. ये रूट ना, मतलब मैं पिछले कई सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ और पिछले कई सालों से इस रूट में डाइवर्जन भरे पड़े हैं. मतलब नहीं पता क्यों ये वाला रूट नहीं बन रहा भाई. Later that same evening. तो भयानक वाला कैंपिंग का तैयारी है दोस्तों, इधर देखो. और इतनी गाड़ी में भी लगी है बहुत सारी थिंग्स. कैंपिंग कैसे होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? पता नहीं. तो यह डी के सलोन से पूरा शॉपिंग वॉपिंग करके हो गया. अभी फिर भी अभी आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे. चाय बहुत जरूरी है. क्या बाहर निकलते हैं? बाहर मस्त पूरा निकलेगा. A few minutes later, a little longer than a few minutes later. तो गाइस देखो फाइनली पहाड़ों के ओर, लेकिन आप देख नहीं सकोगे क्योंकि हो चुका है यहाँ पे पूरा अंधेरा. और अभी हम लोग सिलीगुड़ी से आगे की ओर बढ़ गए हैं. और भाई चलो अब कुछ बढ़िया बेहतरीन होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर होटल में मिलते हैं या फिर कैंपिंग साइट पे मिलते हैं.
तो भैया हम टेंट के अंदर आ चुके हैं और बहुत मतलब दार्जिलिंग से लगभग हम लोग 40-50 किलोमीटर पीछे हैं और बहुत मेहनत के बाद मिला है कैंपिंग लोकेशन। लोकेशन सुबह दिखाएंगे और यहाँ तक मज़ा आया हो पहला एपिसोड दार्जिलिंग ट्रिप का तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली, बाय।